मुझे सच आपको साबित नहीं करना है, मुझे सच जज साहब को साबित करना है। इसलिए मेरी गवाह अपनी गवाही देगी, अपने बयान पर हस्ताक्षर करेगी और अपनी कही हर बात की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी। लेकिन हाँ, वो कागज एक लिफाफे के साथ जज साहब के सामने रखा जाएगा ताकि गवाह का नाम और पहचान ना उनका परिवार जान सके ना आप, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुबोध चैटर्जी साहब। सिर्फ जज साहब के पास सारी जानकारी होगी गवाह की। बहुत अच्छे से तैयार करके लाई है सबको, अभी तोड़ता हूँ उस टोली की एकता और बॉन्डिता का घमंड। आप अपना बयान दीजिए, हमें बताना है। एक मिनट, इससे पहले कि गवाह अपना बयान दे, मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ गवाह से। ऑब्जेक्शन जज साहब, सरकारी बैरिस्टर चाहे तो अपने सवाल मेरी गवाह से बाद में पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल। अभी पता लगाता हूँ कि गवाह कौन है तुम में से। हाँ तो सच्चाई की देवियों, भैया आप सच्ची हैं तो इतनी देर क्यों की यहाँ आने में? जो बात कहनी है उसे कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी आज तक। फिर जब बैरिस्टर बॉन्दिता ने जोर देकर समझाया। एक मिनट, क्या कहा आपने? जोर देकर समझाया। This is pressure tactics, जज साहब। इतने भोले से मासूम से गवाह पे दबाव बनाया बचाओ पक्ष ने। नहीं, जोर नहीं, ठीक से समझाया। अभी आपने कहा दबाव बनाया, अभी आप कह रही हैं ठीक से समझाया, मैं किसे सच मानूं? जज साहब, गवाह भ्रमित है। और मैं तो ये पूछता हूँ कि कैसे समझाया, मतलब बोलकर समझाया या फिर पैसा देकर समझाया? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, सरकारी बैरिस्टर मेरे गवाह के मुंह में जबरदस्ती अपने शब्द डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन, आप मुकदमे में रहिए। जी जज साहब, मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। देखिए, आप अपनी मर्जी से आई हैं। जी। मुझे ये बताइए, जब कोई औरत अपनी पहचान छुपाकर अपना कोई निजी राज सबके सामने बताने आती है, इसका मतलब ये हुआ कि वो राज उसकी इज्जत से जुड़ा है, सही कहा मैंने? जी। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि आपके और चंद्रचूड़ बाबू के बीच नाजायज संबंध थे। ऑब्जेक्शन। जिसमें मुजरिम अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने आपकी मदद की। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, जब तक मेरी गवाह अपनी गवाही नहीं दे देती, इस तरह से बात करना गलत है। महिला के चरित्र पर उंगली उठाना गलत है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप अपने प्रश्न पूछिए। इसका डर दिखा रहा है कि ये ही असली गवाह है। मैं पूछता हूं आपसे कि उस रात आपने कैसे कपड़े पहने थे? क्या आपका कोई शरीर का अंग उन कपड़ों में से दिख रहा था? या क्या आपकी चोली तंग थी? और आप क्या स्वर्गीय चंद्रचूड़ बाबू को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी? I object. मैं ये पूछता हूँ आपसे कि जब मुजरिम अनिरुद्ध रॉय चौधरी वहाँ आया था तो उसने आपको किस हालत में देखा था? तब आपके शरीर पर साड़ी थी या नहीं? I object. मैं पूछूंगा आपसे कि जब मुजरिम ने आपको बचाया था तब चंद्रचूड़ का हाथ आपके शरीर के कौन से हिस्से पर था? सरकारी बैरिस्टर मेरे गवाह को डरा रहे,
उन्हें अनाप शनाप बोल रहे हैं। अभी तो मैंने सच कहा ही नहीं है जज साहब, और अगर ये सच बताने यहाँ आए हैं तो इन्हें सच बताना चाहिए। जज साहब, इनकी इज्जत नहीं गई है, हाँ किसी की जान जरूर गई है। जज साहब, इनमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो ये लौट जाएं, अपना मुंह छुपाएं, भाग जाएं यहाँ से। ये कैसी बात कर रहे हैं? इन्हें बताना पड़ेगा कि क्या उस रात वहाँ चंद्रचूड़ बाबू और मुजरिम के अलावा कोई और था, और अगर था तो कौन था, या फिर प्रेम का कोई और खेल चल रहा था इनके और मुजरिम के बीच, जिसकी बलि चंद्रचूड़ बाबू चढ़ गए। मुझे क्यों लग रहा है इनकी खामोशी में ही इनकी हाँ है। झूठ, एक एक शब्द जो आपने कहा वो झूठ है। तुम सच कहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, बेधड़क सच कहो। वो उस रात आई ऑब्जेक्ट रज साहब, देखिए बचाओ पक्ष गवाह पर फिर से अपना दबाव बनाने की भरसक कोशिश कर रहा है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। पहले ही इस केस को काफी रियायतें दी गई है, इसलिए न्याय के लिए अब आपकी गवाह को सरकारी वकील के सवालों के जवाब देने होंगे। हाँ तो बोलिए, अच्छा बेधड़क बोलिए, बता दीजिए सबको कि उस रात आप अपनी इच्छा से वहां थे, स्वर्गीय चंद्रचूड़ बाबू के साथ या फिर मुजरिम के साथ। आई ऑब्जेक्ट। नहीं, वो पहले से थे उस कमरे में, वो तभी अनिरुद्ध जमाई बाबू। हाँ मतलब अनिरुद्ध बाबू वहाँ आया और उसे अच्छा नहीं लगा कि आप चंद्रचूड़ बाबू के साथ थी। मतलब ये सच है ना कि आपके लिए लड़ रहे थे ये दोनों? हाँ। जज साहब, मामला साफ है, ये दो आदमियों के बीच की लड़ाई थी एक औरत के लिए, इसमें इज्जत पे हाथ डालने जैसी कोई चीज थी ही नहीं। आप उसे अपनी बात तो कहने दीजिए। यही तो कह रही है सब। ये सच नहीं है। चंद्रचूड़ बाबू। क्या कहा, क्या कहा? चंद्रचूड़ बाबू से प्यार करती थी तुम? अच्छा मतलब ये मुजरिम अनिरुद्ध राय चौधरी से प्यार करती हो तुम? ये आई ऑब्जेक्ट डॉक्टर साहब, मैं ऑब्जेक्शन लेता हूँ कि कोई औरत पहले तो बेशर्म बन जाए और फिर दूसरों से ये उम्मीद करती फिरे कि वो उसकी इज्जत को ढके। बोलो बोलो सच क्या है? दोनों को उकसाया लड़ने के लिए, बताओ क्या रिश्ता था तुम्हारा चंद्रचूड़ बाबू के साथ, क्या रिश्ता है तुम्हारा मुजरिम अनिरुद्ध रॉय चौधरी के साथ? आई ऑब्जेक्ट। बताओ, सबके सामने सच बताओ, लोग इंतजार कर रहे हैं बाहर। बोलो बोलो। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहना मुझे माफ कर दीजिए, मैं और कुछ कह नहीं सकती, कोई सच नहीं बता रहा मुझे। सब मेरी गलती है, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। चलो यहां से। चलो चलो, कचहरी का दरवाजा खुल गया। ऑर्डर ऑर्डर। महिला बरिस्टर बाबू, बस इतनी ही हिम्मत दी थी आपने अपनी महिला गवाह को? क्या कहा था आपने कि आप आंधी है, सूखा पत्ता ना समझूं मैं, है ना? यही कहा था? अभी तो मैंने एक फूंक भर मारी थी और
आपका गवाह तो उड़ गया सूखे पत्ते की तरह। अब अच्छा ये होगा मेरे हिसाब से कि आप भी मैदान छोड़कर भाग जाइए। चुनौती दी थी ना तुमने मुझे, देखो कैसे तुम्हारी पत्नी को घुटने पे ला दिया है मैंने। पहली ही सुनवाई में धज्जियां उड़ा दी उसकी हिम्मत वाली गवाह की। पता नहीं तुम्हें क्यों लगता है कि औरतें मर्दों की बराबरी कर सकती हैं। बैरिस्टरी पढ़ने बैरिस्टरी करने में बहुत फर्क होता है। औरतों के ऊपर रोब नहीं कलाई में चूड़ियां अच्छी लगती हैं। औरतें आदमियों के पैर की जूती और बिस्तर की सलवटों में ही अच्छी लगती हैं। रियाती खटिया इंसान हो तुम। अरे इंसान क्या, अगर इंसान के अलावे लायक ही नहीं। बारिश्ती को धंधा बना दिया है तुमने, सच मारकर झूठ बेचते हो तुम लोग। ऑर्डर ऑर्डर, छोड़ूंगा नहीं इसे। ऑर्डर ऑर्डर, पति बाबू रुक जाइए। ऐसे रुकूं कौन देता, नहीं रुक सकता मैं। उस राक्षस ने उस लड़की की इज्जत पर हाथ डाला था, लेकिन इसने उस लड़की को उसी की नजरों में गिरा दिया। बैरिस्टर की शक्ल में भूखे भेड़िए हो तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी, छोड़ूंगा नहीं। ऑर्डर ऑर्डर, रोकिए इन्हें, दोनों को अलग कीजिए। आई रेस्ट माई केस जज साहब। मेरा इरादा किसी औरत की इज्जत उछालना नहीं था, बस ये साबित करना था कि ये आदमी कैसा पागल है। अगर ये भरी कचहरी में मुझ पर हमला कर सकता है, मुझे मारने की धमकी दे सकता है, तो क्या आपने इसी पागलपन में यह चंद्रचूड़ बाबू का खून नहीं कर सकता। अरे अभी तो आपने एक देखा है जज साहब, इसके पागलपन के तो कई किस्से मशहूर हैं। एक बार इसने अपने इसी पागलपन में घड़े के घड़े पानी पी लिया था, अपने ही घर में आग लगा ली, अपने कपड़े और गहने सब बेचकर पैसे भरे थे लंदन में। अपने इसी पागलपन में एक दिन पहले ही इसने स्वर्गीय चंद्रचूड़ बाबू को मजबूर किया था कि वो अपने पत्नी के पांव छुए। खून की रात ही इस पागल इंसान ने गुस्से में आकर चंद्रचूड़ बाबू से झगड़ा किया और उसी गुस्से में इसने उनका खून कर दिया। I object, my lord. सरकारी बैरिस्टर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे गुमराह तो तुम कर रही थी नकली गवाह लाकर, मगर अब तुम्हारा कोई झूठ यहाँ काम नहीं करेगा। सच सबके सामने आ चुका है कि मुजरिम अनिरुद्ध राय चौधरी ने ही गुस्से में आकर चंद्रचूड़ बाबू का खून किया। जज साहब, दशमी के दिन मुजरिम को फांसी होनी थी, दशमी के दिन मुजरिम को फांसी हो जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट यह तय करता है कि विजयादशमी के दिन इस मुकदमे की आखिरी सुनवाई होगी, और अगर बचाव पक्ष कोई ठोस सबूत नहीं ला पाती है तो मुजरिम के फांसी की सजा पर कोर्ट की मोहर लगा दी जाएगी। Court is adjourned till next hearing. शिक्षक बाबू,
आज आपकी बोंधिता हार गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है बोंधिता। जिस तरह तुमने अपनी बात रखी, जिस साहस के साथ तुमने हर तर्क को पेश किया, उसे साफ साफ साबित होता है कि तुम एक बहुत अच्छी बैरिस्टर हो। तुम्हारी तैयारी में कोई कमी नहीं। परेशानी तो ये थी कि बस तुम उस बैरिस्टर की तरह नीचे नहीं गिर सकती थी, और वो भी कामयाब नहीं हो पाता अगर टापुर कमजोर नहीं पड़ती। अब चाहे जो हो बोंधिता, तुम मुझसे वादा करो, तुम टापुर को दोषी नहीं ठहराओगी और आगे उसे कचहरी में आने के लिए मजबूर भी नहीं करोगी। तो पति बाबू, मैं आखिरी सुनवाई के दिन क्या करूंगी? क्योंकि टापुर के गवाही के अलावा आपको बचाने का और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा बोंधिता। अब मैं चाहता हूँ कि किसी भी हालत में तुम ये मुकदमा जीतो, और मैं जानता हूँ वो दिन आएगा। तुम्हारी जीत इतिहास रचेगी बोंधिता, क्योंकि अगर तुमने ही जीती ना बोंधिता, तो भविष्य में कोई भी लड़की, कोई भी औरत किसी भी आदमी के साथ बराबरी करने का सोचेगी भी नहीं। हिम्मत नहीं करेगी पढ़ने की, हिम्मत नहीं कर पाएगी बैरिस्टर बनने की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, लड़कियां पढ़ेंगी, बैरिस्टर बनेंगी और आदमियों को मुंह तोड़ जवाब देंगी, क्योंकि उनकी मिसाल होगी बैरिस्टर बोंधिता रॉय चौधरी। बस जीतने के लिए तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी बोंधिता। फिर से खड़ी होकर सच सामने लाने का नया रास्ता ढूंढो, और मैं जानता हूं तुम वो रास्ता ढूंढोगी बोंधिता। हाँ पति बाबू, मैं दूसरा रास्ता जरूर ढूंढूंगी। विजयादशमी के दिन इस बार सच का विजय होगा, इस बार भी झूठ का रावण जलेगा। और पति बाबू, मेरा वादा है आपसे, जब तक आपकी बोंधिता आपको निर्दोष साबित करने वाला सबूत नहीं ढूंढ लेती, तब तक वो रुकेगी नहीं, थकेगी नहीं और ना ही हारेगी। हे दुर्गा माँ, मदद करो मेरी, दिखाओ मुझे पति बाबू को बचाने का कोई रास्ता। अब आप ही मुझे किसी नई सुराग तक पहुंचा सकते हैं। वादी, ये देखिए, चंद्रचूड़ के शरीर पे जो चीजें मिली थी वो पुलिस ने लौटा दी है। दवाई और जमाई दोनों का मैं बहुत खास ध्यान रखती हूँ, इसलिए बोंधिता की शादी पर मैं आपके लिए एक नई अंगूठी बनवाऊंगी। जो अंगूठी आपने पहनी है ये पुरानी हो गई है। रहने दीजिए ठाकुर माँ, चाहे जितनी भी पुरानी हो गई अंगूठी, पर इसे मैं कभी खुद से अलग नहीं करता। एक बाबा ने मुझे दी थी मेरी जान की सुरक्षा के। आपको पता है एक बार मैंने जब इसे उतारा था, बहुत भयानक बीमारी हो गई थी मुझे। बस ये समझ लीजिए कि मेरे लिए ये अंगूठी मेरी ढाल की तरह। जमाई बाबू के सामान में वो अंगूठी क्यों नहीं आई? वो तो उसे कभी अपने से अलग नहीं करते। सोम दादा, मैं जमाई बाबू के सामान की पोटली अपने पास रखती हूँ, वो पुलिस से रिकॉर्ड मंगवा कर चेक करना पड़ेगा। ठीक है भाभी। ये बोंधिता कहीं सच तक ना पहुंच जाए। हे दुर्गा माँ, कहीं यही वो सुराग तो नहीं जो इस टूटी हुई कड़ी को जोड़ देगा?